हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को राधे राधे। सो आज हम बनाएंगे सरसों का साग। यहाँ पर रोटियाँ बनेंगी हाथ की, पानी वाली चूल्हे में जो रोटियाँ सिकती हैं वो मम्मी बनाएंगी यहाँ पर। सो उसी का व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके से मम्मी ने चूल्हे को जला लिया है और यहाँ पर उसके चूल्हे के ऊपर चढ़ाई है कढ़ाई, उसमें डाला है पानी कढ़ाई में अच्छे से भरकर। और यहाँ पर उड़द की दाल डाली है मम्मी ने धोकर, उसमें अच्छे से पूरा दाल वगैरह डालकर हम इसमें थोड़ा सा उसको पकने देंगे। पकने के बाद इसमें जब ये थोड़ा सा उबाल वगैरह आएगा जब, तब इसमें हम ऐड करेंगे सरसों का साग। अभी नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मम्मी अब आटा थोड़ा सा लेंगी, जो गेहूं का आटा होता है उसको हम यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर जितना भी थोड़ा सा पानी लेकर इसको हम अच्छे से इसका मीडियम घोल बनाएंगे, ना ज़्यादा थिक रहे ना ज़्यादा पतला रहे, मीडियम घोल बनाकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हाथों की हेल्प से। हम मिक्स करने के बाद हम इसको जहाँ पर हम साग वगैरह बना रहे उसी साग में इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इस घोल को इसमें साग में डाल देंगे, इसको कंटिन्यू अब हम इसको चलाते रहेंगे बराबर, जिससे कि ये नीचे लगने ना पाए इसके कढ़ाई में। इसलिए इसको आप बड़ा कंटिन्यू चलाते रहिएगा। काफ़ी चलाने के बाद इसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है, सो इसलिए इसको बनने के बाद बहुत टेस्टी लगता है। आप ठंडियों में बनाएं बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग पालक भतुआ ये सब डालकर साग बनाते हैं और कुछ लोग सिंपल जो गांव में साग होता है उससे देसी खाना जो साग होता है उसको खाने का मज़ा ही अलग कुछ होता है, जो शहरों में मिलता भी नहीं है। इसलिए इसको चूल्हे में बनाएं बहुत ही बढ़िया बनता है। इस तरीके से मम्मी ने बनाया था, बहुत टेस्टी हुआ था बना था। सो यहाँ पर मम्मी ने इसको छोंक दिया है। यहाँ पर मम्मी ने सरसों का तेल डाल के इसमें और यहाँ पर और लहसुन मिर्ची खूब सारा डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे।
वीडियो पसंद आए सो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।